नमस्कार दोस्तों, आई एस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस पर। तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जो लोहे की मोटी से मोटी सलाखों या राड को तोड़ सकता है। तेंदुआ बिल्ली वर्ग का एक हिंसक प्राणी है। और आज हम बात करेंगे हिम तेंदुआ, जो पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फ़ में और ध्रुवों पर रहता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड PSL के साथ केंद्र सरकार के अन्य प्रयासों के तहत हिम तेंदुओं के प्रवास क्षेत्र के संरक्षण हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इसके अंतर्गत जो हिम तेंदुए हैं इनके प्रवास क्षेत्र कहाँ बर्फों में रहते हैं, बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रहा है और इनके रहने की जगह धीरे धीरे खतरे में आ रही है, इसलिए इनके प्रवास क्षेत्र के लिए संरक्षण हेतु सरकार ने प्रतिबद्धता को दोहराया है। और भारत का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और इसी विभाग में राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो। तो यहाँ पर बाबुल सुप्रियो ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के तहत हिम तेंदुओं के प्रवास क्षेत्र के संरक्षण हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। अब बात करते हैं हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा यूनिकिया, पैंथेरा यूनिकिया मतलब चीता बाघ इसी वर्ग का सदस्य है। हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत, गोस्ट ऑफ दी माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके संकोची स्वभाव और खाल के रंग के कारण इन्हें बर्फीले वातावरण में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत कहा जाता है क्योंकि यह दिखता है उसके बाद गायब हो जाता है, जल्दी दोबारा नहीं दिखता है, इसलिए इसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है। हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों, हिमालय क्षेत्र सहित के विशाल क्षेत्रों में रहते हैं। हिम तेंदुए कहाँ रहते हैं? उत्तरी और मध्य एशिया के, ये बर्फ़ वाली जगह पर रहते हैं। तो बर्फ़ कहाँ कहाँ? जहाँ जहाँ पहाड़ हैं, तो हिमालय सहित और उसके बाद साइबेरिया क्षेत्र में, इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जहाँ पर बर्फ़ हमेशा बर्फ़ रहती है, गर्मी का मौसम नहीं आता है। हिम तेंदुए भारत सहित विश्व के कुल 12 देशों, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, रूस और मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। ये किस क्षेत्र में पड़ते हैं? मध्य एशिया, मध्य एशिया में पड़ते हैं जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं। अब बात करते हैं इनके संरक्षण की। हिम तेंदुए को IUCN रेड लिस्ट में, सुभेद्य की सूची में रखा गया है। इसे वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, दी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटीग्रेटेड स्पाइसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा सिटीज के प्रशिक्षण वन में शामिल किया गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे इनके प्रवास क्षेत्र कम हो रहे हैं, इसलिए ये भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसलिए इसको IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत हिम तेंदुए के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है। शिकार को क्यों प्रतिबंधित किया गया है? क्योंकि ये लुप्त प्राय प्राणी हो गया है, इसकी संख्या लगभग सिर्फ गिनने को रह गई है, मतलब गिनने लायक संख्या हो गई है, इसलिए इसके शिकार को रोक लगाया गया है। अब बात करते हैं वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, कन्वर्सन ऑफ माइग्रेटरी स्पाइसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स CMS के तहत हिम तेंदुए को प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं हिम तेंदुओं के समक्ष चुनौतियाँ। मानव वन्य जीव संघर्ष, मानव और वन्य जीव मतलब मानव जंगलों को काट रहा है, इसलिए वहाँ के जो जानवर हैं वो शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो जो संघर्ष होता है मानव और वन्य जीव का, ये संघर्ष, उनका शिकार और जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शिकार और प्रवास की हानि आदि हिम तेंदुए के अस्तित्व के लिए मुख्य खतरा है। इंसानों के साथ इनका संघर्ष, इनका शिकार, चमड़ी के लिए इनका शिकार और इनके जहाँ रहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण उस क्षेत्र में नुकसान, ये सब इसके अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे पर। वर्ष 2013 की बिश्केक घोषणा के तहत 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह 23 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, और वर्ष 2013 की बिश्केक घोषणा से शुरू हुआ है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में 12 स्नो लेपर्ड रेंज देश, इसमें अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान,
द्वारा बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये सभी 12 देश मध्य एशियाई देश हैं और यहाँ पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। तो इन देशों ने 2013 में बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही इस अवसर पर वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन GSLEP कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड PSL पर, जिसे बाबुल सुप्रियो ने चलवाया है। बाबुल सुप्रियो कौन है? ये केंद्रीय वन मंत्री, वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत वर्ष 2009 में देश के 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। वैसे तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरुआत 2009 में की गई थी और देश के 5 राज्यों में, लेकिन बाबुल सुप्रियो ने इसका फिर से अनुमोदन किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य जहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है किसी भी मौसम में, वहाँ पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर देश में तेंदुओं की आबादी और उनके प्रवास क्षेत्र के संरक्षण को बढ़ावा देना है। तेंदुओं की घटती आबादी पर नियंत्रण करना है, मतलब इनकी आबादी घटे ना बल्कि बढ़े, और उनका प्रवास क्षेत्र जो कम हो रहा है बर्फ़ की पिघलने की वजह से वह नियंत्रित हो। इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के साथ सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के सहयोग से हिम तेंदुओं, उनके आहार तथा प्रवास के संरक्षण, जागरूकता एवं संरक्षण संबंधी कानूनों के व्यापक क्रियान्वयन का प्रयास किया जाता है। अब बात करते हैं भारत द्वारा हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु सरकार के अन्य प्रयास। भारत में हिम तेंदुओं की भौगोलिक सीमा में पश्चिम हिमालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भूभाग शामिल हैं। हिमालय के भी कई भाग हैं, तो जो पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है हिमालय का, हिमालय एक लकीर जैसे है, हिमालय ऐसे है, तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला पार्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिम तेंदुए पाए जाते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भूभाग शामिल हैं। भारत वर्ष 2013 से वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन GSLEP कार्यक्रम का सदस्य है। भारत 2013 से GSLEP का सदस्य है। इस कार्यक्रम के तहत विश्व के 12 हिम तेंदुए रेंज देश शामिल हैं। इन 12 सदस्य देशों द्वारा हिम तेंदुओं की आबादी के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सुनिश्चित किया गया है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु इन 12 देशों में प्राथमिकताओं को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली में GSLEP कार्यक्रम के चौथे संचालन समिति की मेजबानी की गई थी। अब 2019 में चौथी बार, 2013 के बाद से चौथी बार GSLEP का संचालन किया गया था, जिसकी मेजबानी नई दिल्ली था और भारत में। इस दौरान देश में हिम तेंदुए की आबादी के आकलन पर पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट लॉन्च किया गया। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।